कटनी से श्री अजय कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव ध्रुवीय विज्ञान के तहत वास्तु के सामान्य नियमों का पालन करना कहाँ तक उचित होता है, पर हमें वास्तु के वैज्ञानिक पहलुओं को क्यों मानना चाहिए? आज की युवा पीढ़ी इसे ढकोसला समझती है, वह कहाँ तक उचित है? क्या हमें सोने पढ़ने उठने बैठने में ध्रुव विज्ञान को मानना चाहिए? क्या बोलना है, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे हमेशा बनी रहती है, कृपया समाधान करें। देखिए, ध्रुवीय विज्ञान का अपना महत्व है और उसके आधार पर जो वास्तु का विज्ञान है उसके परिणाम काफ़ी अर्थों में बहुत अच्छे दिखते हैं। और आज तो लोगों ने प्रयोगों के आधार पर भी वास्तु के परिणाम दिखाए हैं, इसलिए वास्तु को माने। पर मैं अक्सर कहता हूँ, वास्तु को मानिए पर वास्तु का हवा मत मानिए। जितना बनता है उतना आप कीजिए, पर सब कुछ वास्तु पर ही अवलंबित है ये भ्रम मत पालिए। वास्तविकता को समझने की कोशिश कीजिए। वास्तु है क्या? वास्तु का अर्थ होता घर मकान, उसके निर्माण के साथ जुड़े हुए विज्ञान का नाम ही वास्तु विज्ञान है। और हमारे प्राचीन शास्त्रों में एक ऐसी व्यवस्था रही जिससे हमारे तन मन पर उसका प्रभाव होता है। आज भी उसकी बहुत सारे लोगों ने बहुत वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या की है और उसके परिणाम आ रहे हैं। अब जिन्हें विश्वास नहीं है, जिन्हें ढकोसला आ गया, उनके लिए हम क्या कहें? लेकिन अब तो कई ऐसे यंत्र भी आ गए हैं जो एनर्जी को मापते हैं, एनर्जी को स्कैन करते हैं और वास्तु का ट्रीटमेंट करने के बाद उसके परिणाम भी दर्शाते हैं। इसलिए इस संदर्भ में वास्तु को नकारना बहुत अच्छी बात नहीं है। वास्तु को ही सब कुछ मानना भी ठीक बात नहीं और वास्तु को पूरी तरह नकार देना भी अच्छी बात नहीं।